नमस्कार भाई लोग, तो स्वागत है आप सभी का इस वीडियो में। और आज हम आपको बताने वाले हैं कि OBS आप कैसे डाउनलोड कर पाएंगे अपने उबुंटू के जो है सो डेस्कटॉप में। आपका कोई भी डेस्कटॉप हो, यूनिटी हो, कुबुंटू हो, लुबुंटू हो, या फिर आपका जो है सो नॉर्मल उबुंटू का जो अपना डेस्कटॉप है वो हो, कोई भी हो, जनरली आप उबुंटू में नहीं डाउनलोड कर पाते हैं OBS। उसके सॉफ्टवेयर सेंटर में आपका जो है सो अवेलेबल नहीं है, एक है लेकिन वो अनऑफिशियल है और उसको इंस्टॉल करने के बाद वो काम नहीं करता है। देखिए OBS टाइप किए जब हम, तो यहाँ पे OBS आ तो जाता है लेकिन ये जो आता है OBS, ये आप लिखा हुआ है दिस इज एन अनऑफिशियल बिल्ड, पढ़ सकते हैं दिस इज एन अनऑफिशियल बिल्ड ऑफ OBS स्टूडियो, और ये काम नहीं करता है। इसलिए अब बात आता है कि OBS कैसे डाउनलोड करें उबुंटू में। तो इसके लिए आपको करना ये है कि मतलब आपको सबसे पहले एक पैकेज मैनेजर डाउनलोड करना पड़ेगा जो कि नहीं है। तो आप उबुंटू सॉफ्टवेयर सेंटर को ओपन करें, उसके बाद सर्च करें सिनेप्टिक SYNAPTIC, अरे सिनेप्टिक आ गया। यहाँ पे देखेंगे इस तरीके का लोगो होगा, इस पैकेज मैनेजर को आपको इंस्टॉल कर लेना है। मेरा इंस्टॉल है इसलिए मैं लॉन्च करता हूँ सीधे। पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड देना है, उसके बाद कुछ इस तरीके का ये खुल जाएगा। उसके बाद इसको जो खुल जाएगा उसमें सर्च पे क्लिक करना है, उसके बाद सर्च में टाइप करना है OBS STUDIO स्टूडियो। देख सकते हैं मैंने OBS स्टूडियो टाइप किया, उसके बाद इसको सर्च मार देना है। उसके बाद सर्च होने दीजिए, यहाँ पे ये देख रहे हैं सर्च हो रहा होगा या ये बढ़ रहा है, सर्च हो रहा है। यहाँ पे देखिए आ गया, ये आ गया ना OBS स्टूडियो, OBS/स्टूडियो लिखा हुआ है। स्क्रीन रिकॉर्डर एंड स्ट्रीमर फॉर लाइव वीडियो कंटेंट, इससे स्ट्रीम कर सकते हैं और रिकॉर्ड कर सकते हैं अपने वीडियो को। आपको इसको क्लिक करने के बाद यहाँ पे टिक, मेरा ऑलरेडी इंस्टॉल है इसलिए ग्रीन दिखा रहा है, नहीं तो आपको टिक करके यहाँ पे क्लिक कीजिएगा ना तो मार्क पे देख सकते हैं मेरा अनमार्क जो है सो मेरा ऑलरेडी जो है सो इंस्टॉल, इसलिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको यहाँ पे क्लिक करके मार्क पे ले जाना है और यहाँ पे मार्क आएगा, मेरा अनमार्क आ रहा है लेकिन यहाँ पे मार्क आएगा, उस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद अप्लाई पे क्लिक कर देना है, उसके बाद इंस्टॉल कर लेना है, उससे आपका OBS आपका जो है सो आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इंस्टॉल करना है। आप कमांड प्रॉम्प्ट से भी कर सकते हैं लेकिन उसके लिए आप दूसरा वीडियो देखिए, ये इसमें हम आपको एकदम इजी वे बता रहे हैं। तो इसी के साथ आपसे मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, धन्यवाद।